के पुस्तकालय कार्यक्रम में सहपठन बच्चों के साथ मिलकर की जाने वाली एक ऐसी दिलचस्प गतिविधि है जिसमें अध्यापक किसी पाठ को पढ़कर सुनाते भी जाते हैं और बच्चों को उस पाठ के साथ ही छपी तस्वीरें भी दिखाते जाते हैं। सहपठन के लिए अध्यापक को बड़े आकार के शब्दों वाली किताब का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद उस किताब को खुद पढ़ते हुए उसे बच्चों के सामने पढ़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। आइए अब हम मुख्य गतिविधि पर आते हैं। ये गतिविधि 4 चरणों में आयोजित की जाती है। ये चरण है किताब के कवर पर बातचीत, किताब को पहली बार पढ़ना, किताब को बच्चों को शामिल करते हुए दूसरी बार पढ़ना, पढ़ने के बाद की चर्चा। बच्चों इस क्या बना है इस किताब में? इस गतिविधि में चूंकि बच्चों को पढ़ने में शामिल किया जाता है इसलिए उन्हें अपने बहुत ही पास में बिठाया जाना चाहिए ताकि वे किताब की तस्वीरों के साथ ही वे शब्दों को भी आसानी से देख सकें। अच्छा कहाँ रहती है दिल्ली? रहती है आपके? अच्छा, सबसे पहले चरण में किताब के बाहरी पन्ने पर छुपे कवर को दिखाते हुए बच्चों से कहानी के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है। दूध पी रही है। चलो आज हम आपको बिल्ली के बच्चों के बारे में कहानी सुनाएंगे। ठीक है, सुनिए कहानी। सुनिए तो बच्चों को मजा आएगा। ठीक है, बिल्ली कैसे कैसी होती है बताइए बच्चों। कैसे करती है बिल्ली? ऐसे ऐसे होती है ना। ठीक है, चलो हम आपको बिल्ली के बच्चों के बारे में कहानी सुनाते हैं। ठीक है, इसके बाद अध्यापक को अपनी चुनी हुई किताब को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। पहली बार किताब को जब पढ़ा जाए तो उसे धीरे धीरे प्रभावपूर्ण आवाज में नाटकीय तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। चूहा उछलकर आगे के डिब्बे में कूद गया। किताब को पढ़ते हुए बीच बीच में रुककर बच्चों से कहानी के बारे में सवाल पूछकर अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि बच्चों को कहानी समझ में आ रही है या नहीं। छलांग लगा दी। कैसे लगाते बच्चों छलांग? ऐसे। कहानी कैसी लगी बच्चों आपको? अच्छी। अच्छी लगी? जी। अच्छा आपको कौन अच्छा लगा इस कहानी में? सबसे अच्छा कौन लगा बताइए? मछली अच्छी लगी? सबको मछली अच्छी लगी? सबको? बिल्ली किसी को नहीं अच्छी लगी? चूहा? जब अध्यापक अपनी कहानी को सुना चुका होता है तब वो बच्चों से कहानी के बारे में बात करता है। कहाँ रहता है चूहा बताइए? रहता है। उसके बाद आता है सहपठन का तीसरा चरण, किताब को बच्चों को शामिल करते हुए दूसरी बार पढ़ना। और एक सफेद। एक चूहा देखा और वे उसे पीछे दूसरी बार कहानी को ऊंचे स्वरों में लेकिन धीमी गति में और प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ते हुए हर शब्द पर उंगली रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए ताकि बच्चे भी साथ साथ पढ़ सके। बिल्ली के काले बच्चों ने तालाब में एक मछली देखी और उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी। दूसरी बार कहानी को पढ़ने के बाद उस पर बच्चों के साथ बातचीत की जानी चाहिए। शिक्षिका बच्चों की समझ को विस्तार देने हेतु किताब से जुड़ी कोई अन्य गतिविधि भी करवा सकती है, जैसे कहानी को अपने अपने शब्दों में सुनाना, कहानी को नए दृष्टिकोण से कहना। इसे विस्तारित गतिविधि कहा जाता है। चलो अब मैं एक्शन करूंगी, आप मुझे बताना मैं क्या कर रही हूँ। सहपठन की गतिविधि किसी पोस्टर के माध्यम से भी करवाई जा सकती है, बस जरूरत है इच्छा शक्ति और पूर्व तैयारी की। या घुमैया घुमैया कलैया में कागज की नैया।